नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। अगर आप भी बिहार सरकार में शिक्षक हैं और अपने वेतन को लेकर परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वो इसलिए क्योंकि होली के बाद से आपके वेतन में 15% तक बढ़ोतरी की जाएगी। इतना ही नहीं, स्थानांतरण को लेकर भी बिहार सरकार ने आपके हित में ही फैसला लिया है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। होली के ठीक बाद से यानी अप्रैल महीने से शिक्षकों के वेतन में 15% का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कई शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। बाद में सरकार से समझौता के दौरान शिक्षकों के वेतन में 15% वृद्धि की बात सरकार ने मानी है। साथ ही सशर्त स्थानांतरण की बात भी कही गई थी। सेवा शर्त नियमावली को लेकर भी समझौता हुआ। अब सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट में जहाँ एक तरफ प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ाने पर जोर देने की बात का उल्लेख है, तो दूसरी तरफ 1 अप्रैल से शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि होने का भी उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि सभी मध्य और हाई स्कूलों में फुल टाइम हेडमास्टर की नियुक्ति की जाएगी। बजट में इस बात का भी उल्लेख है कि 2021-22 से नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। साथ ही डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से आगे के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण भी इस साल से शुरू कर दिया जाएगा। बजट में यह भी प्रावधान है कि विदेशों में अध्ययन के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए डिजिटल काउंसलिंग की प्रणाली भी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर है। गौरतलब है कि प्रदेश में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या 82,000 है। वहीं प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 3,59,105 है। हाई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या लगभग 1,00,000 है। तो अगर आप भी बिहार सरकार में एक शिक्षक हैं, तो इस साल के वित्तीय बजट यानी कि 2021-22 में आपके लिए बहुत कुछ खास है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही गई है और इसको लेकर अब फुल टाइम हेडमास्टर की नियुक्ति तो की ही जाएगी और साथ ही साथ शिक्षकों की जो मांग थी उसे भी पूरा किया जाएगा और 15% तक अप्रैल माह से वेतन में वृद्धि की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।